सो गुड आफ्टरनून गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ भाई, पता है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ऐसे ही भाई बीच में कहीं जाना आना हुआ नहीं ज़्यादा, हमने काम ऑफिस प्लॉट ऐसे ही चल रहा था। और अभी भाई टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, मैं और मेरे साथ है भतीजा करण, और भाई फाइनली मन बना लिया है रैप कराने का ऑडी को, कि चल भाई 2-3 साल रह रहे इसके, रैप करा लेते हैं इसको। तो अभी भाई अपना एक भाई है, मतलब स्कूल टाइम से मेरे साथ था वो, नीरज बिजवासन में उसकी शॉप है, और ऑटो क्रू कस्टम के नाम से उसकी शॉप है डिटेलिंग की। भाई वहाँ पे जाते हैं अभी और देखते हैं भाई बेस्ट कलर। मैंने दो जो कलर हैं मन में सोचे हुए हैं, एक तो भाई सेटिन ब्लैक है और एक सेटिन ग्रे। तो अब देखते हैं भाई कौन सा कराते हैं। इस पर सेटिन ग्रे थोड़ा सा, मतलब ना ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन आ जाएगा इस पर। इसकी ग्रिल कर्टन सब कुछ चेंज करा दूंगा मैं, सोच तो यही रहा हूँ कि देखते हैं कैसी लगेगी। और भाई धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कैसी लगेगी, अभी तो इसमें लगेगा एक हफ्ता टाइम, क्योंकि साइडों में से टचिंग भी हो गया अभी इसकी। तो भाई आ लिया ऑटो फ्यूल कस्टम, और अपने टायर की हालत थोड़ी ख़राब है, इलेक्शन में भी बहुत ठंडी है, और फिर भाई बारात वरात शादी वादी में भी। और ये है भाई सेटिन ब्लैक ऐसा होता है, एक सेटिन ग्रे भी है, एक डार्क ग्रे भी है, देखते हैं अभी कौन सा फाइनल करते हैं। तो भाई नीरज भाई छोड़ गया है अभी मेरे को, कार ले गया है, बाकी भाई हुक्का नहीं पिया, एक हुक्का पी लेते हैं बढ़िया सा। और भाई एक और चीज़, आपको एक और इंसान से मिला, ये है भाई नया मेंबर, अमेरिकन बुली पॉकेट साइज, और बहुत क्यूट है भाई, अभी 3 दिन पहले लेके आए इसको हम। और इसका नाम भाई, इसका नाम रखा है थोड़ा हटके, इसका नाम है बारूद। ओए यहीं पे रहता है भाई ये, अभी बाहर सो के आया है ये बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ी मस्ती आ रही है इसको। इसकी वैक्सीनेशन भी करानी है भाई कल, बस ये इसका खाना रखा है भाई, अभी छोटा है तो सेरेलैक दूध यही चीज़ें चलती है। अरे कहाँ गया, आजा आजा, बहुत प्यारा है भाई ये देखो, अरे आजा ऊपर आ। तो भाई इसने फिर से खाना खा लिया अभी एक बार। साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं छोड़ गया हूँ अभी बड़ी वाली सिस्टर को, आई आ रखी थी, आयान को छोड़ गया हूँ, और कल जाएंगे भाई देखने अपनी गाड़ी का कितना काम हो गया रैप का, कितना बसता है। यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ काम चल रहा है भाई अपने, यहाँ रोड पे सब कुछ बदल दिया, पहले यहाँ सारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। और भाई थोड़ा गला सा भी ख़राब हो रहा है, और खाने पीने का सामान ले लिया गोरिया ने, कह रहा भाई कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं चल ले ले, और चलते हैं भाई प्लॉट पे, वहीं बैठ के खा पी के हुक्का पी के घर जाऊँगा। और बारूद भी सो गया होगा अब तक, बारूद को खाना खिला दिया था, खाना खिला विला के ही आया था मैं, सो गया होगा वो। तो मिलते हैं भाई वैसे कल, और मैं जाऊँगा दिखाऊँगा। और भाई गैस करो कौन सा कलर हो सकता है कार पे, और कौन सा अच्छा लगेगा, और क्या क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, बाकी आपको पता ही लग जाएगा 2-3 दिन में कौन सा कलर रैप होने वाला है। और कल कार की कंडीशन दिखाएंगे भाई जाके आपको नीरज भाई के पास। तो भाई गुड इवनिंग, जैसे कि आपको पता है आज जा रहे हैं एक बार गाड़ी के पास देखने करण के साथ, और अभी द्वारका सेक्टर 1 के साइज थे कुछ सामान लेने। और अब नीरज भाई का फोन आ चुका है कि आ जाए एक बार गाड़ी, यहीं से ले लेना लेफ्ट, हाँ तो जाके एक बार भाई कंडीशन देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, और कब तक कार मिलेगी, और कौन सा कलर करवाएंगे जाके देखते हैं। कलर मंगवा लिया है, रैप मंगवा लिया है मतलब, और अब जाके पता लगेगा कि भाई अलॉय पेंट करवाए हैं भाई ने ग्लोसी ब्लैक, तो अलॉय तो आपको अभी दिखा दूंगा कैसे लग रहे हैं, बाकी जेड करा दी कार उसी ने, कह रहा जेड में ही बढ़िया लगेगी मगर चल ठीक है। और भाई ग्रिल RSQ वाली वो भी मंगा दी है, मतलब आ जाएगी कल या परसों में, करोल बाग भी पता करवाई थी। और फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कार कैसी लग रही है। तो भाई पहुंच गए हैं ऑटो क्रू कस्टम, और अपनी गाड़ी वो खड़ी परली साइड, जाके देखते हैं लुक। तो भाई अलॉय तो हो चुके हैं पेंट ग्लोसी ब्लैक, और जो डेंट थे थोड़े बहुत वो भी हट गए हैं। फिलहाल भाई इसमें पुट्टी भर रहा है ढंग से, मतलब ठीक कर रहा है, जो रैप होने में अगर कहीं बबल ना आए, होल वोल ना रहे,
और अभी जेड हुई नहीं है, जेड कराएंगे इसको भी अभी। और भाई इसके टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे पीछे के, तो मैं सोच रहा हूँ पीछे के क्या चारों टायर इसके चेंज करा लेते हैं, करोल बाग से चारों टायर नए ले आते हैं। तो भाई हल्की फुल्की जो अपनी टचिंग थी वो सब हो चुकी है यहाँ पे, और रीपेंट नहीं कराया मैंने कुछ भी, और मैंने क्लेम भी नहीं लिया किसी चीज़ पे। फिलहाल जो हल्की फुल्की टचिंग थी वो हो जाएगी और टायर चेंज होने ही हैं। और ये है भाई की शॉप डिटेलिंग की, ऑटो क्रू कस्टम। और ये है नीरज, एक और आ रही है सैटिन ऑन। हाँ भाई ये सैटिन ब्लैक। तो भाई नीरज वैसे सैटिन ब्लैक से ही फेमस हुआ है, जितनी गाड़ी करी है सैटिन ब्लैक ही करी है। अभी भी एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट आई है सैटिन ब्लैक की, वरना की वो भी। और अपनी पे अभी भाई बताएंगे, पहली बार कर रहा है ना वो कलर। हाँ वो कलर तो पहली बार होगा भाई। चल ठीक है, पर भाई बाकी सैटिन की डिमांड जिस भाई को भी हो वरना की, एक बार भाई से कॉन्टेक्ट कर ले, और ना कर पाए तो नंबर सारी डिटेल ऑटो क्रू कस्टम की भाई मैं डाल ही दूंगा, और इंस्टाग्राम पे पेज भी है भयंकर। और ये एक और वरना आ रखी है, इस पे अभी काम चल रहा है। अभी ये दो वरना और आने लग रही है भाई, दो वरना और है सैटिन के लिए ही। सैटिन के लिए ही। चल ठीक है, अपनी गाड़ी कितने दिन में दे देगा फिर? अपनी गाड़ी भी वैसे देंगे भाई, जल्दी देंगे। 10-15 दिन अभी और लगाने की इच्छा हो रही है इसकी, इस पर। चल भाई ठीक है।